पिछले वर्ष गहलोत सरकार के दौरान जितने भी नए जिले बनाए गए थे उन सभी पर पुनर्विचार कर रही है बीजेपी सरकार। घमासान मचा हुआ है, कमेटी का गठन कर दिया गया है, रिपोर्ट सौंपने के बाद फैसला लेगी सरकार कि कितने ये जो जिले कांग्रेस सरकार के दौरान बनाए थे इनसे कितना खर्चा सरकार को आएगा, और इसके अलावा कि जो इनको बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा, या फिर ये जो जिले बनाए हैं वह सही मापदंड पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, इन सभी का आकलन किया जा रहा है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार को फैसला लेना है। लेकिन एक बड़ी बात ये हो रही है, सभी जगह चर्चाएं चल रही हैं इस चीज को लेकर, जब से ये आहट हुई है कि बीजेपी सरकार इन जिलों पर पुनर्विचार कर रही है, इनकी स्थिति का आकलन कर रही है, कांग्रेस नाराज है, कांग्रेस के नेता नाराज हैं। इसके अलावा जो भी जिले बनाए थे गहलोत सरकार ने, उससे उस समय जिला बनने की कई जगह ऐसी थी जहां जिला बनने की मांग थी, जैसे भरतपुर से डिग जिला बनने की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी, गंगापुर सिटी की मांग की जा रही थी, इस तरह से कई जिले थे जहां नए जिले बनाने की मांग काफ़ी समय से बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों नेता तो कर रहे थे। वो अलग बात है कि कांग्रेस के नेता ज़्यादा कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दिल तो गवाही दे रहा था बीजेपी के नेताओं का भी। गहलोत सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि अपने चहेते विधायकों की खातिर उनको तोहफा के रूप में नए जिले बना दिए गए। अब सरकार पर बहुत ज़्यादा भार आ रहा है, क्या इन नए जिलों को बनाने की ज़रूरत थी? ज़रूरत थी तो क्या वो सही मापदंड पर खड़े उतर पा रहे हैं? इन सभी का आकलन किया जा रहा है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है, जिस तरह से ये चर्चाएं चल रही हैं कि सरकार इन पर पुनर्विचार कर रही है और कई जिलों पर गाज गिर सकती है जो नए जिले बने हैं, इस चीज़ को लेकर लोग भी निराश होने लगे हैं, कांग्रेस के नेता भी निराश होने लगे हैं, लेकिन आम जनता भी जो सपना संजो रही थी कि नया जिला बनना चाहिए, और सपना उनका पूरा भी हुआ गहलोत सरकार में, जिला बन भी गया, अब चिंतित होने लगे कि पता नहीं गाज गिर सकती है, गाज गिरी तो जिले को खत्म किया जा सकता है, बेचैनी है लोगों के बीच में। बताया ये भी जा रहा है कि गहलोत सरकार ने अपने चहेते विधायकों की खातिर ये सब किया, आनन फानन में किया था, चुनाव से पहले किया था, वो भी आनन फानन में किया था, लोगों को खुश करने के लिए किया था जिससे वो सत्ता में वापसी कर सके। लेकिन बीजेपी सरकार आज है, और सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि अगर इन जिलों पर गाज गिरती है या कुछ जिलों पर या ज़्यादातर जिलों पर, जो भी कमेटी डिसाइड करेगी उन जिलों पर अगर गाज गिरती है तो फिर नुकसान बीजेपी को बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जनता की नाराज़गी सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो जिले बन गए हैं वहाँ के लोग खुश हो रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो बता रहे हैं कि नया जिला बनने के बाद ज़मीनें भी खरीद ली हैं, मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, किसी ने बिजनेस पर्पज़ के लिए, पूरा के पूरा उन्होंने अपना खांचा तैयार कर लिया है, लोग जा रहे हैं कर रहे हैं, नए जिलों के आधार पर ही वो अपने कार्य कर रहे हैं, जिला कलेक्टर जिला SP भी लगा दिए गए हैं, प्रशासन भी तैनात कर दिया गया है, लोग खुश हैं, क्योंकि नए जिले जब बनते हैं तो नए आयाम गठित होते हैं, और उससे कहीं ना कहीं कुछ समय बाद विकास, उस जिले का विकास होने की आशंका रहती है, उम्मीद रहती है, लोगों को कई फायदे भी होते हैं, जैसे भरतपुर जिले से डिग को हटाया और डिग जिले के वहाँ 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर के लोग जिला मुख्यालय भरतपुर आते थे या जिला अस्पताल आते थे या जिला कलेक्टर या जिला SP से मिलने आते थे, तो काफ़ी लंबी दूरी उनको तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब डिग जिला बनने के बाद उनको काफ़ी फायदा होने लगा है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, अस्पताल सब कुछ वहाँ उपलब्ध हैं, तो लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। अब जब ये सुनने में आया उनको कि जिले पर गाज गिर सकती है तो फिर चिंतित होने लगे हैं। हालांकि डीग जिला जब बनाया था तो भरतपुर से सटे कई ऐसी पंचायतें थीं जहाँ के लोग मांग कर रहे थे कि हमें भरतपुर में ही शामिल किया जाए, क्योंकि भरतपुर से सटे हुए जो ग्राम पंचायतें थीं उनको कुम्हेर डीग में मिला दिया गया, और वहाँ की पंचायतों ने आंदोलन भी किया, वहाँ के लोगों ने आंदोलन भी किया, काफ़ी समय से मांग भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, अपने विधायक पर उठवाई भी थी मांग कि हमसे जो सटा हुआ है वो भरतपुर है, भरतपुर काफ़ी नज़दीक है, हमको भरतपुर में रखा जाए, डीग हमसे काफ़ी दूरी पर है।
इसके अलावा गंगापुर सिटी को जिस तरह से सवाई माधोपुर से अलग किया गया, गाज गिरने की सूचना के बाद रामकेश मीणा जो विधायक है उन्होंने ऐलान ठोक दिया है कि गंगापुर सिटी को जिला बनाने की मांग यहाँ की जनता काफी समय से कर रही थी, गहलोत सरकार ने कर भी दिया, नया जिला दे दिया। अगर बीजेपी सरकार ने इस जिले को खत्म करने की कोशिश भी की तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। दूधू पर गाज गिर सकती है, सांचौर पर गाज गिर सकती है। बताया जा रहा है कि 2-3-4 जो छोटे छोटे जिले बनाए हैं उन पर ज्यादा गाज गिरने की संभावना की जा सकती है। हालांकि क्या होना है क्या नहीं होता होना है वो तो कमेटी की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर सरकार डिसीजन लेगी, लेकिन इतना जरूर बता रहे हैं कि अगर जिलों को डिस्टर्ब किया जाता है, नए जिलों को हटाया जाता है, खत्म किया जाता है, तो फिर इसका नुकसान सीधा बीजेपी को झेलना पड़ेगा, उसकी नाराज लोगों की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है। अब कांग्रेस के तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं, उन्होंने तो जनता के लिए नए जिले बनाकर दे दिए थे जिनसे जनता खुश थी। अगर आज बीजेपी सरकार में इन जिलों पर गाज गिरती है तो भी जनता की नाराजगी बीजेपी के खिलाफ हो जाती है और कांग्रेस को फायदा होता है। यानी कि अशोक गहलोत सरकार ने जो काम कर दिया नए जिले बनाकर, वो दोनों हाथों में लड्डू ले लिए। अब बीजेपी का लॉजिक है, बीजेपी सरकार का लॉजिक है कि भार बेवजह पड़ रहा है नए जिले बनाने के बाद। अब एक जिले नया जिला जब बनाया है तो उसके ढांचे को तैयार करने के लिए, उसको चलाने के लिए वहाँ अधिकारी तैनात होंगे, नई संसाधन बनाने होंगे, नई बिल्डिंग बनानी होंगी, नए आयाम गठित करने होंगे, तो खर्च सरकार को एक जिले नए जिले का खर्च हर वर्ष काफ़ी वहन करना पड़ता है, तो उसका भी आकलन बता रहे हैं कि किया जा रहा है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि लोग खुश हैं नए जिले बनने के बाद। उस समय चाहे लोग कुछ लोग नाराज थे, लेकिन अब इतना समय बीत गया है, कई महीने बीत चुके हैं कि नया जिला बनने के बाद अब लोग एडजस्ट होने लगे हैं और लोग खुश हो रहे हैं कि हमें अब एक नया जिला मिला है। और नया जिला जब मिलता है तो लोगों को उम्मीद तो होती है विकास की, नए आयामों की उम्मीद होती है, और फिर जब उनको सुनने को मिले कि गाज गिर सकती है तो फिर क्या बीत रही होगी। खैर सरकार है, सरकार डिसीजन क्या लेती है वो अलग बात है, और सरकार लेती भी हैं, ले सकती हैं, सरकार का अधिकार है। लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि अगर नए जिलों पर गाज गिरती है तो बीजेपी के वो विधायक जो उन जिलों की विधानसभाओं से चुन करके आए हैं, सत्ता में हैं, सदन में हैं, उनके खिलाफ जनता की नाराजगी बढ़ सकती है, जनता उनसे नाखुश हो सकती है, उनकी नाराजगी का सामना उनको करना पड़ सकता है। और खासकर अगर ऐसा होता है तो निकाय और पंचायत चुनाव जो आ रहे हैं उसका प्रभाव भी इस पर जरूर पड़ सकता है, इस तरह की बात भी चल रही है। अब देखना ये होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार एक तरफ सोचती है कि नए जिले बना करके कांग्रेस सरकार ने अपना फायदा किया है, अपने गणों को मजबूत करने की उन्होंने कोशिश की है, वोट बैंक बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये भी एक बात है कि अगर इन जिलों को ख़त्म किया जाता है या इन नए जिलों पर अगर थोड़ी सी भी आँच आती है तो भी फायदा कांग्रेस को ही होता है, बीजेपी को फिर भी नुकसान होता है क्योंकि जनता नाराज होती है। अब सारे पहलुओं पर आकलन किए करने के बाद ही सरकार फैसला लेगी, और सरकार को फैसला लेना होगा क्योंकि वहां से उनके विधायक भी आए हैं, अपने विधायकों की सलाह भी उनकी अपनी यानी भी उनकी बात भी सरकार को माइंड में लानी होगी। और इसके अलावा उनके जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के पदाधिकारी उन इलाकों से, उनकी भी बात सुननी होगी बीजेपी सरकार को, उसके बाद ही शायद फैसला सरकार लेगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार में जो नए जिले गठित हुए, अगर बीजेपी सरकार में उनके साथ छेड़छाड़ होती है तो फिर सीधा सा नुकसान बीजेपी को हो सकता है, ऐसे जानकार राजनीति के जानकार लोग बता रहे हैं। लेकिन सियासत एक रूप ले चुकी है अब नए जिलों के गठन को लेकर, नए जिलों पर गाज गिराने को लेकर, नए जिलों रहेंगे बरकरार चलेंगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर इनको हटाया जाएगा, कितनों को हटाया जाएगा, ज़्यादातर हटाया जाएगा या कम को हटाया जाएगा, बताया तो ये भी जा रहा है करीब एक दर्जन नए जिलों पर गाज गिर सकती है। और गाज किस तरह से गिरेगी वो तो सरकार ही बताएगी, सरकार का फैसला होगा उससे पता लगेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अच्छे संकेत शायद नहीं होंगे राजस्थान की बीजेपी सरकार के लिए, क्योंकि जनता की नाराजगी भी शायद उनके विधायकों को और सरकार को झेलनी पड़ सकती है।